Hey guys, hello everyone and welcome to my channel Stay Beautiful with me. और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जो आपकी फेस से या बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर अगर टैनिंग की कोई प्रॉब्लम हो गई है तो ये इजीली उसको रिमूव करेगी. जैसा कि मैं अपने वीडियोस में पहले भी कहती आई हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि मैं हमेशा ऐसी रेमेडीज लेके आती हूँ जो इजी टू यूज हो, इजी टू मेक हो, जिनमें टाइम कंज्यूमिंग ना हो, टाइम आपका ज्यादा वेस्ट ना हो. तो ऐसी ही एक रेमेडी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी टैनिंग की प्रॉब्लम के लिए. ये ना ही आपके स्किन से टैनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी यानी कि रिमूव करेगी टैनिंग को, उसके साथ साथ ही आपकी वाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देगी आपकी स्किन के अंदर. आपके टेक्सचर, स्किन का जो टेक्सचर होता है उसको ये इम्प्रूव करेगी और इवन स्किन टोन देगी आपको. तो आइए चलिए देख लेते हैं, वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं कि ये जो रेमेडी है वो क्या है. इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ऑरेंज जूस. मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स 1 टेबल स्पून ऑरेंज जूस लिया है. आपको भी इतना ही ऑरेंज जूस लेना है. अगर आपको अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है, टैनिंग आपके फेस पे हुई है, तो आपको सिर्फ 1 टीस्पून जो ऑरेंज जूस है वो काफ़ी रहेगा. अगर आपको पूरी बॉडी पे टैनिंग हुई है तो आप इसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं. तो ऑरेंज जूस में विटामिन सी होता है जो सन टैन को रिमूव करने में हेल्प करता है, स्किन टोन को इवन करता है और आपकी स्किन को वाइटन और ब्राइटन बनाता है. नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड करूंगी योगर्ट. जितनी क्वांटिटी में ऑरेंज जूस लिया था उसी क्वांटिटी में हमको योगर्ट लेना है. दोनों को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे. योगर्ट में विटामिन सी, जिंक, कैल्शियम और लैक्टिक एसिड होता है जो कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है. लीजिए, तैयार है ये रेमेडी यूज करने के लिए. ये आपके सन टैन को अच्छे से रिमूव करेगी. इसको आपको डेली यूज करना है, डेली आप इसे यूज कर सकते हैं. यूज करने का जो तरीका है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ. आपको इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है और हाफ एन आवर के लिए इसको छोड़ देना है और नॉर्मल वाटर से बाद में इसको वॉश कर लेना है. इस रेमेडी को आप डेली यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी और अच्छे देखने को मिलेंगे. मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर देना ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं. और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करने का बटन रेड कलर का है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. इसके साथ में ही बेल आइकन भी आ रहा होगा, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सके ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे लेटेस्ट वीडियोस कब आने वाले हैं ताकि आप उनको देख सके. तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.